नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः उत्तर भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट कवितालोक में। मैं गौरव नरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का इसी उम्मीद के साथ कि आपने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी है सुपर टेट की और मास्टर बनना आपका तय है। एक अच्छी और विश्वसनीय टीम के साथ जुड़कर आप मुकाम को हासिल कर सकते हैं। रवि सर ने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग आपको न केवल पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे बल्कि आपको एक विश्व स्तरीय, एक विश्वसनीय, एक अच्छी सी आपको हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे। नोट्स दिया जाएगा, दो प्रकार का नोट्स दिया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स भी दिया जाएगा और जो हैंडराइटिंग नोट्स होगा वो भी दिए जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हैंडराइटिंग नोट्स होते हैं वो उनमें डायग्राम कुछ और होता है लेकिन तकनीक या कंप्यूटर पर उन डायग्रामों को बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो इसीलिए सर ने आपसे बोला है कि दोनों प्रकार के आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, हमारा इतिहास रहा है, जो हम कहते हैं वो करते जरूर हैं, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जब आपका एग्जाम समीप आ जाएगा हम 10-15 दिन पहले आपको मैराथन क्लास देना प्रारंभ कर देंगे और उन मैराथन क्लासों का अंत में बहुत अच्छा फैक्ट निकल कर आता है, तो तैयार हो जाइएगा अपनी इस जंग में। आपकी इस जंग में हम आपके साथ हैं और निश्चित रूप से आप इस लड़ाई को जीतेंगे, ना केवल एक अच्छी नौकरी लेंगे बल्कि जो झंझट वाले काम होते हैं कि कट ऑफ इतनी जा रही है, कट ऑफ आपको हम कट ऑफ से कहीं ऊपर लेकर जाएंगे, कट ऑफ से बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, जितनी कट ऑफ होगी उससे भी ऊपर लेकर हम जाएंगे। तो इस परीक्षा में हमारे यहाँ प्रवेश प्रारंभ है और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यह व्हाट्सएप नंबर है 9125423936। इस पर आपको एंट्री सुपर टेट लिखकर सेंड कर देना है, आपको प्रवेश की पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी और आपको प्रवेश दे दिया जाएगा और आपकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। तो आपके स्क्रीन पर नंबर लिखा है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इस नंबर पर सुपर टेट एंट्री लिखकर सेंड करनी होगी, ठीक ना। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछला वीडियो मेरा मिला होगा जिसमें मैंने अक्षांश देशांतर पढ़ाना प्रारंभ किया था और उसमें मैंने केवल अक्षांश पढ़ाया था, अक्षांश समाप्त हो गया था और अक्षांश मैंने आपको बताया था कि अक्षांश के द्वारा हम किसी भी स्थान का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? टेम्परेचर। उसके आगे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड देशांतर। हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा आज का देशांतर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक ना। चलिएगा इसको पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यहां से मैं जब आपको समझा दूंगा आपको ना केवल मैं सुपर टेट बल्कि पीसीएस या आईएएस की परीक्षा में जो है प्रश्न बनते सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा। आइएगा देखिएगा। तो अगर हम बात करें देशांतर होता क्या है, तो सबसे पहले एक हम ग्लोब का निर्माण करते हैं, यह हमारा एक ग्लोब रहा। इस ग्लोब पर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है यहां पर ये उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री एन, और नीचे वाला जो होता है ये दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और नीचे जो होता है ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है इस काल्पनिक रेखा को नाम दिया जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको नाम दे दिया जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। और इसका जो मान की अगर बात करें तो इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर। यह रेखा भी पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित कर रही है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित करती है उस रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर होता है। इसके जो आगे वाला भाग है इसको एक नाम दे दिया गया और इसको नाम दे दिया जाता पूर्वी गोलार्ध। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको नाम दे दिया जाता पूर्वी गोलार्ध। और पीछे वाला जो भाग होता है इसको एक नाम दे दिया जाता है और इसको नाम दे दिया जाता पश्चिमी गोलार्ध। तो एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध को हम ई से प्रदर्शित करेंगे ईस्ट और पश्चिमी गोलार्ध को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे वेस्ट, ठीक ना। तो एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा कौन सा गोलार्ध? दूसरा आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक ना। इतनी बात हो गई, चलेगा अगला, इसी में अगला पॉइंट है इसका।
मैं फिर से एक ग्लोब का निर्माण करता हूं। ग्लोब मतलब पृथ्वी के समान एक संरचना जिसको हम ग्लोब नाम दे दे रहे हैं। तो फिर से एक हम ग्लोब का निर्माण कर दे रहे हैं, ये रहा आपका ग्लोब, ठीक ना। छोटा सा बनाते हैं थोड़ा, ये आपका ग्लोब रहा और यहां पर एक रेखा का निर्माण जैसे अभी किया था, फिर से हम एक रेखा का निर्माण कर देते हैं। 0 डिग्री देशांतर है, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। ए नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव और ए साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव। इस उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कहां से कहां को मिलाने वाली? उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली एक कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को नाम दे दिया जाता है देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं, यानी उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक ना। तो अगर हम लिखें डेफिनेशन क्या होगी, उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहा जाता है? वृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखा, ठीक ना। चलिए, इतनी बात क्लियर है। एक एक से अच्छे से एक एक से पॉइंट समझते चलिएगा। मैं हर एक आपके मन में जितने भी आज तक अच्छा देशांतर से संबंधित जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न बने होंगे सबका निवारण इस वीडियो में मैं कर दूंगा। अंत तक बने रहिए वीडियो के, बस, ठीक ना। चलिएगा, तो ये तो हमने देशांतर रेखा की डेफिनेशन लिख दी। अब देखिएगा, अगर मैं यहीं पर 0 डिग्री अक्षांश को बनाऊं, यानी ऐसा बनाऊंगा मैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, क्या है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी इस रेखा का नाम विषुवत रेखा है। रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम विषुवत रेखा है। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक रेखा है जिसका नाम क्या था, एक ए वाली रेखा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है, लेकिन जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ते जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है? इनके बीच की दूरी केंद्र की ओर बढ़ने पर घटती जा रही है, जबकि विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो बढ़ती जाएगी। फिर से ध्रुव की ओर जाएंगे तो फिर से ध्रुव की ओर क्या होती है? घटती जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की दूरी का या दो देशांतर रेखाओं के मध्य में कितनी दूरी होती है? तो याद रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य में 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111.32, कहीं पर 2-3 भी लिखा रहता है 111.23 किलोमीटर, तो आपको मुख्य रूप से 111 याद रखना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा से हम किसी भी ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे उत्तर ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी आती जाती है, और जब एक ध्रुव पर जब एक केंद्र पर जाकर मिलती हैं तो इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं और एक ही बिंदु पर जाकर सभी रेखाएं मिल जाती हैं। अगर इस ऊपर वाले उत्तर ध्रुव या इस नीचे वाले दक्षिण ध्रुव को मैं ऐसे घुमाकर आपको दिखाऊं तो संरचना कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। नॉर्थ पोल पर आपको कुछ इस प्रकार से संरचना नजर आएगी, इस प्रकार से, ठीक ना, आपको इस प्रकार से इसकी संरचना नजर आएगी। आप देख रहे हैं एक केंद्र है, यहां पर बीच की दूरी अधिक है और जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं बीच की दूरी क्या होती जा रही है? बीच की दूरी कम होती जा रही है। आपने कद्दू पंपकिन देखा होगा या फुटबॉल वगैरह देखा होगा या तरबूज खरबूज देखे होंगे, उनमें आप देखिएगा लाइनिंग बनी होती है। आज ही मार्केट जाइएगा और कद्दू लीजिएगा, खरीदना नहीं है उसको, बस देखने के लिए पूरा कद्दू लीजिएगा एक, आप देखिएगा बाबू उस पर लाइनिंग बनी होगी और जहां पर उसका ऊपर वाला डंठल होगा ना वो उसका केंद्र है,
उत्तरी ध्रुव है, तो आप देखेंगे वहां पर सभी लाइनिंग इस प्रकार से मिलती हुई नजर आएंगी। तो चूंकि सभी लाइनिंग एक स्थान पर मिल रही है इसलिए इनके बीच की दूरी जीरो हो गई, लेकिन जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएंगे या यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अब मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आपको कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि चाहे हम उत्तर ध्रुव पर जाएं या दक्षिण ध्रुव पर जाएं इनके बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम। ठीक है ना, एक जानना चालाक होता है वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब जब मैं कह रहा हूं कि विषुवत रेखा से आप उत्तर ध्रुव की ओर जाइए तब भी दूरी घटेगी और विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा तब भी दूरी घटेगी, तो भाई एक ध्रुव से जब हम दूसरे ध्रुव की ओर जाएंगे तो विषुवत रेखा तक तो बीच की दूरी बढ़ेगी और विषुवत रेखा के बाद बीच की दूरी क्या होती जाएगी, घट जाएगी। यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पहले बढ़ेगी उसके बाद घटेगी। क्लियर है, चलेगा अगला देखते हैं। अब आती है संवाद के देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या को भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसको हम काट दे रहे हैं, ऊपर से काट दे रहे हैं और नीचे से, और बीच से ऐसे कैंची से काट दिया, और कैंची से काटने के बाद इस ग्लोब से हमने एक मानचित्र बना लिया। ग्लोब से हमने इस प्रकार से एक मानचित्र बना लिया, जैसे आपके दीवार पर आपने देखा होगा, आपकी दीवार पर विश्व का मानचित्र पड़ा होगा। ठीक ना, और जीरो डिग्री देशांतर है तो जीरो डिग्री देशांतर हमने यहां से गुजार दी, जीरो डिग्री देशांतर हमने यहां से क्या कर दी, जीरो डिग्री देशांतर हमने यहां से गुजार दी। आगे वाला भाग पूर्वी गोलार्ध है और पीछे वाला भाग जो होता है वो पश्चिमी गोलार्ध होता है। ठीक ना, अगला समझिएगा, यहां पर जो सबसे अंतिम में रेखा होती है इस रेखा का मान 180 डिग्री है, और जो यहां पर सबसे अंत में रेखा होती है इसका मान भी 180 डिग्री है। अंतर क्या है, ये पूरब में है तो ये 180 डिग्री ईस्ट है, और ये पश्चिम में है तो ये 180 डिग्री वेस्ट, बस इतना अंतर है। अब अगर मैं कहूं कि बताइएगा जीरो डिग्री देशांतर है, मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए 180 डिग्री इस रेखा से लेकर इस 180 रेखा तक कितनी रेखाएं होंगी, रेखाओं की संख्या पूछी जा रही है आपसे कि बताइए भाई कितनी रेखाएं होंगी, तो आप काउंटिंग करेंगे, बताइए बाबू यहां पर जीरो है, जीरो के बाद कहीं ना कहीं एक होगा, कहीं ना कहीं दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, और कहीं ना कहीं कहां तक पहुंच जाएंगे, हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 180 तक। वैसे यहां पर भी एक होगा, दो होगा, तीन होगा, और कहां तक पहुंच जाएंगे, हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 180 तक। तो इस एक से लेकर इस 180 तक कितनी रेखाएं, 180, और यहां पर एक से लेकर इस 180 तक कितनी रेखाएं, 180, और एक जीरो भी तो है, इसको भी जोड़ लिया हमने, इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो आप संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 180 और 180 360, और एक और जोड़ लेंगे तो संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी हमारी 361। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की हमें संख्या पता चल गई 361। लेकिन बाबू यह संख्या गलत है, यह संख्या इसलिए गलत है क्योंकि यदि आप इसको फिर से पृथ्वी बनाएंगे, गोल करेंगे, तो ए 180 डिग्री जो ईस्ट है या 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दो रेखाएं नहीं है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दो रेखा नहीं है, बल्कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही रेखा है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही रेखा है, दो रेखा नहीं है। जब भी दो रेखा नहीं है तो हमने अभी कितनी जोड़ी, 361, तो इनमें से एक माइनस कर देंगे तो अच्छा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, देशांतर रेखाओं की संख्या निकल के आ जाएगी आपके पास 360। कितनी संख्या निकल के आ जाएगी इनकी, तो इनकी संख्या निकल के आ जाएगी 360। ठीक ना, चलेगा। तो इतनी बात याद रखिए, अगर मैं उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में 179 मानू तो मुझे यहां पर कितनी माननी पड़ेगी, 180, और एक जीरो डिग्री है तो कितनी हो जाएंगी, तो हमारी संख्या निकल के आ जाती है 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360। ठीक ना, अब चलिएगा, अब बात करते हैं इसके सबसे अच्छे पॉइंट पर कि हम देशांतर रेखा आखिर पढ़ते क्यों हैं।
देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। देशांतर के द्वारा हम किसी भी स्थान का समय और समय के साथ साथ हम उस स्थान की स्थिति को ज्ञात करते हैं। समय और स्थिति, और समय और स्थिति की जो गणना की जाती है वो लंदन से की जाती है। समय और स्थिति की गणना जो है वो कहां से की जाती है? लंदन का। कोई शहर, कोई देश या तो लंदन के पूरब में होगा तो उसे पूर्वी गोलार्ध का देश कहा जाएगा, या कोई लंदन के पीछे होगा उसे पश्चिमी गोलार्ध का, ठीक ना चलेगा। देखिएगा तो समय और स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है, आइए समझिएगा। ये मान लीजिएगा हमारा मानचित्र है और यहां से हमने 0 डिग्री देशांतर गुजार दी, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर है ये कहां से गुजरती है, तो 0 डिग्री देशांतर ये लंदन से गुजरती है। आगे वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और पीछे वाले भाग को क्या नाम दिया गया, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक ना। समझिएगा अच्छे से, हम लंदन से काउंटिंग करते हैं क्योंकि लंदन का उपनिवेश रहा है, लंदन ने पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो यहां से नाम बिक जाते, तो इसी आधार पर एक माना जाता है, कहानी है, किसी आधार पर हम मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है, इसलिए यहां का जो समय होता है उसको हम GMT के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक ना। अच्छे समझिएगा, हमें समय की काउंटिंग करनी है, कैसे की जाती है मैं समझा रहा हूं, पहले थोड़ा से थ्योरी बता रहा हूं, समझिएगा। आपको हमेशा याद रखना है प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, जैसे भारत की मानक रेखा स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, कैसे निकाली जाती मैं बता दूंगा। तो प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, और यदि कोई देश पूर्वी गोलार्ध में है तो निश्चित रूप से उसका समय लंदन के समय से आगे होगा, और यदि कोई देश पश्चिमी गोलार्ध में है तो निश्चित रूप से उसका समय लंदन के समय से पीछे होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक देश की एक मानक रेखा होती है, जैसे भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, यदि किसी देश की मानक रेखा में ईस्ट लिखा यानी वो पूर्वी गोलार्ध में है देश, तो निश्चित रूप से वहां का समय लंदन के समय से आगे होगा, और यदि किसी देश के मानक रेखा में W लिखा है तो निश्चित रूप से वहां का समय लंदन के समय से पीछे होगा, ठीक ना। जैसे भारत की मानक रेखा में ईस्ट लिखा है मतलब भारत जो हमारा वो पूर्वी गोलार्ध में होगा, और अगर भारत पूर्वी गोलार्ध में होगा तो निश्चित रूप से भारत का समय लंदन के समय से आगे होगा। आप जानते हैं कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक ना। पहली बात। दूसरी बात सर, ऐसा क्या है कि जो पूर्वी गोलार्ध है वहां का समय आगे और जो पश्चिमी गोलार्ध है वहां का समय पीछे, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है? तो ऐसा इसलिए होता है बाबू, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, सही कह रहा है ना, और सूर्योदय की घटना पूर्वी भाग में होती है, तो पूर्वी भाग में सूर्य की किरणें पहले पड़ेंगी और पश्चिमी भाग में सूर्य की किरणें बाद में, तो जब पूर्वी भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो पूर्वी भाग में पहले दिन होगा और पश्चिमी भाग में सूर्य की किरणें बाद में पड़ेंगी, इसलिए पश्चिमी भाग में क्या होगी, पश्चिम भाग में आपकी रात पाई जाएगी, ठीक है ना। समय निकालना सीखते हैं, तो प्रत्येक देश की मानक रेखा होगी, मानक रेखा के आधार पर ही हम समय निकालते हैं, ठीक ना। अभी इसके जस्ट बाद में आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां, ठीक ना, मोशन ऑफ अर्थ। तो अगर हम पृथ्वी की गति की बात करें या गतियों की बात करें तो पृथ्वी दो प्रकार से गतियां करती है, एक तो अपने अक्ष पर करती है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाने को घूर्णन गति, रोटेशन मोशन बोलते हैं। मान लीजिएगा मैं पृथ्वी हूं तो मैं अगर ऐसे अपने अक्ष पर घूम रहा हूं तो ये मेरी घूर्णन गति है। कौन सी गति है? घूर्णन। आपने कई बार देखा होगा आप मंदिर जाते होंगे, बीच में शंकर जी हैं या कोई भी प्रभु है और हम लोग इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, किसी चीज के हम चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या करते हैं हम परिक्रमा। तो बीच में अब सूर्य है, बीच में सूर्य है और पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को परिक्रमण गति के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा, परिक्रमा से आई है कौन सी गति, परिक्रमण, ठीक ना।
तो एक पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक का नाम घूर्णन गति और एक का नाम परिक्रमण गति। जब पूरा एक घूर्णन हो जाता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक घूर्णन कर लेती है, तो एक दिन और एक रात में परिवर्तन होता है, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से जानते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो एक वर्ष में परिवर्तन होता है, इसलिए परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी गति में पढ़ाएंगे आपको, और घूर्णन को कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन को एक नाम दे दिया गया, दैनिक गति। चलेगा, तो हमें घूर्णन गति से यहां पर अभी अर्थ है हमारा, यहां से अभी हमें किसका यूज करना है, घूर्णन गति का। आपको हमारे संस्थान में मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे टीचर हैं, आप लोग उनसे पढ़ते भी हैं, बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं संदीप सर। तो संदीप सर से आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ए बहुत बेसिक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें पृथ्वी की चाल ज्ञात करनी है, घूर्णन गति के आधार पर हमें पृथ्वी की चाल ज्ञात करनी है। तो यदि हमें पृथ्वी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमें पृथ्वी की दूरी और पृथ्वी के दूरी और समय ज्ञात होना चाहिए। चलिएगा, समझिएगा, मान लीजिएगा ए हमारी पृथ्वी है, ए ए पॉइंट है, और ए वाला पॉइंट बी है, और यहां पर आपका सूर्य है। तो सूर्य के द्वारा प्रकाश जो है वो ए पॉइंट पर पड़ रहा है, ए वाले भाग में। जब सूर्य का प्रकाश ए वाले भाग में पड़ेगा, तो निश्चित रूप से यहां पर डे होगा, और पीछे वाले भाग में यहां पर क्या होगा, तो पीछे वाले भाग में नाइट होगी, NIGHT, ठीक ना, नाइट होगी। अब ये पृथ्वी घूमेगी, और घूमने के बाद जो बी वाला भाग है वो ए वाले भाग के पास पहुंच जाएगा, और ए वाला भाग है वो कहां आ जाएगा, वो बी वाले। तो अब बी वाले भाग में दिन और ए वाले भाग में रात। उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा, जहां पर कैमरा है सामने, तो मान लीजिएगा सूर्य है सामने मेरे, मतलब आप सूर्य हैं, आपके द्वारा प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश मेरे फ्रंट पे पड़ा, तो फ्रंट पे मेरे डे हुआ, और बैक पे मेरी नाइट। अब मैं ऐसे घूमा, अब यहां पर मैं, अब सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा है, तो मेरी बैक पे अब डे है और मेरे फ्रंट पे नाइट है। फिर से ऐसे घूमे, अब यहां पर डे है और पीछे वाले भाग में नाइट। तो जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, अपने घूर्णन अपने अक्ष पर घूमती है, तो दिन और रात की घटनाएं घटित होती हैं। तो दिन और रात की अगर आप बात करें, तो दिन और रात कितने समय का होता है, दिन और रात कितने समय की होते हैं, तो दिन और रात की अवधि जो होती है वो 24 घंटे की होती है। क्या इन 24 घंटे को हम ऐसा लिख सकते हैं, 24 × 60 मिनट, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, मिनट में कन्वर्ट कर लिए। अब समझिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाएगी, तो कितना डिग्री घूमेगी बताइएगा आप, यहां से यहां चले और यहां से यहां चले, एक चक्कर हुआ। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो 360 डिग्री घूमती है, कितना घूमती है, 360 डिग्री, बस कैलकुलेट कर लेना है। जीरो से अगर देखें, जीरो से जीरो बार कैंसिल, छह से कितनी बार कैंसिल, छह बार, छह से कितनी बार कैंसिल, चार बार। ऊपर कितना बच्चा, एक, और नीचे कितना बच्चा, चार। एक क्या है, एक डिग्री है, और चार क्या है, चार मिनट है। एक डिग्री है और चार क्या है, चार मिनट है। यहां से दो बातें कह सकते हैं, हम दो बातें कह सकते हैं कि पृथ्वी एक डिग्री घूमने में चार मिनट का समय लगाती है, या चार मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है, चार मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूमती है। दोनों बातें कही जा सकती हैं कि पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में चार मिनट का समय लगता है, या पृथ्वी चार मिनट में एक डिग्री घूमती है। अब बताइएगा, यदि पृथ्वी चार मिनट में एक डिग्री घूमती है, तब पृथ्वी 60 मिनट में कितना घूमेगी, तो कितना घूमेगी, 1 × 60/4। तो अगर इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 15 डिग्री हो गया, और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 60 मिनट को लिख सकते हैं हम 1 घंटा। तो यहां से हम एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में, या घूर्णन गति के अनुसार पृथ्वी 1 घंटे घूमने में, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। चलेगा, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे, यदि चूंकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में यदि पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, तब बताइएगा 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 82 × 4 मिनट, ये क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे बाबू। अगर 82.5 को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो 165/2 आएगा, और यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4 मिनट, और 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अगर 165 में इसका हम गुणा करते हैं,
तो 165 में अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 330 मिनट आता है, और 330 मिनट में हम कितने का भाग दे देंगे, हम भाग दे देंगे 60 का, तो एक घंटे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा 30, बचेगा 3, 3 में भाग नहीं जाएगा दशमलव, अब हो गया 3 फिर से 5, तो 5.5 घंटे, और 5.5 घंटे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 घंटे। बताएं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री किस देश की मानक रेखा है, जिस देश की मानक रेखा है उस देश का मान है भारत, और भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो यदि यहां पर ईस्ट लिखा है तो निश्चित रूप से हमने बताया था आपको, यदि किसी मानक रेखा में ईस्ट लिखा हुआ तो उसका समय लंदन के समय से आगे होगा, कितने घंटे आगे समय निकल के आ गया 5.5। मान लीजिएगा अगर हमारे भारत देश की मानक रेखा 82.5 डिग्री डब्ल्यू होती तब, तो यदि हमारे भारत देश की मानक रेखा 82.5 डिग्री W यानी हम पश्चिम में होते तो निश्चित रूप से समय तो इतना ही निकल के आता, तो हम बोल देते कि हमारा समय लंदन के समय से 5.5 घंटे क्या है, हमारा समय लंदन के समय से 5.5 घंटे पीछे है। ठीक ना, दोनों बातें हो सकती थी। तो इस प्रकार से छोटा सा मैटर है, ठीक ना, जो भी रेखा आपको दी जाएगी उस रेखा में, जो भी आपको मानक रेखा दी जाए उसमें 4 का गुणा करिएगा, और 4 का गुणा करने के बाद मिनट आ जाएंगे, मिनट में 60 का भाग कीजिएगा, घंटे निकल के आ जाएंगे। होगी बात क्लियर, समझ गए, ऐसे निकाला जाता है समय। आइएगा हम आपको प्रश्न करा देते हैं, ठीक ना, कैसे प्रश्न बनते हैं देखिएगा, हमेशा डायग्राम का यूज करेंगे। पहला प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, 3-4 टाइप के प्रश्न होंगे, मैं आपको सारे के सारे करा दूंगा, ठीक ना, अच्छे समझिएगा। पहला प्रश्न टाइप एक, टाइप वन में आपको बता रहा हूं, प्रश्न ए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि लंदन में, मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं, कह रहा है कि लंदन में सुबह के 6 बज रहे हैं, लंदन में कितने बज रहे हैं सुबह के 6, कह रहा ए देश जिसकी मानक रेखा 15 डिग्री डब्ल्यू है, और बी देश जिसकी मानक रेखा 75 डिग्री ईस्ट है, दोनों पर समय क्या क्या होंगे, समय कितने आगे होंगे और समय यहां पर क्या क्या होंगे, ठीक ना। यदि मान लीजिएगा इस सबसे पहला टाइप है और बहुत सिंपल सा है, यदि मान लीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ऐसा आप एक चार्ट बनाएंगे और बीचों बीच से एक रेखा गुजार देंगे, रेखा लंदन से गुजर रही है और जान रहे हैं हम कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। चलिए बताइएगा लंदन में कितना बज रहा है, तो हम सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM हो गया। अब कह रहा है ए देश में W, अब आगे वाला भाग पूर्वी होता है, पीछे वाला भाग वेस्ट होता है, तो ए कहां पर लिखेंगे हम, यहां पर, तो यहां पर हम ए देश लिख देंगे, और ए देश की मानक रेखा कितनी है, तो ए देश की मानक रेखा है 15 डिग्री। कह रहा है बी देश 75 डिग्री, तो हम यहां पर बी देश लिख देंगे, कितनी रेखा है इसकी, इसकी रेखा 75 डिग्री ईस्ट, ठीक ना। समय निकालना है तो पहले हम ए पर निकाल लेते हैं, हमने आपको बताया जो भी रेखा दी जाए यदि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो ए देश की रेखा कितनी बताई गई, ए देश की रेखा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 15 गुणा 4, तो 15 गुणा 4 मिनट हो गए, और यहीं पर हम अगर 60 से भाग दे देंगे तो घंटे हो जाएंगे, 15 चौको बाबू कितना, 15 चौको 60, 60 और नीचे भी कितना 60, 60 60 से कैंसिल, कितना आ गया 1 घंटा, तो यहां का समय निकल के आया 1 घंटा। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे, तो जब हम बी का निकालेंगे तो कितनी रेखा 75, आपको कितने का गुणा करना है 4, कितने का भाग दे देना है 60 का, 15 से अगर कैंसिल करेंगे 5 बार, 15 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, यहां का समय कितने निकल के आया, तो यहां का समय आया 5 घंटे। मतलब जो बी देश है उसका समय लंदन के समय से 5 घंटे आगे होगा, और जो ए देश है उसका समय लंदन के समय से W लिखा है तो क्या पीछे होगा, कितना समय पीछे होगा, 1 घंटे पीछे होगा। मतलब अगर W लिखा है तो समय पीछे होना है, और ईस्ट लिखा है तो समय आगे होना है। ए देश का समय लंदन से 1 घंटे पीछे होगा, तो यदि लंदन में 6 बज रहा है, यदि लंदन में 6 बज रहा है तो ए देश में कितना बज रहा होगा, तो ए देश में कितना बज रहा होगा, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो एक देश में 5 AM हो रहा होगा, और बी देश में, बी देश का समय लंदन के 5 घंटे आगे है, तो 6 में अगर हम 5 घंटे जोड़ेंगे, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, तो यहां पर सुबह के कितने बज रहे होंगे, बी देश पर सुबह के यहां पर कितने बज रहे होंगे, यहां पर 11 AM हो रहा होगा, कितने बज रहा होगा 11 AM। बोलिएगा प्रश्न समझ में आया, ये सबसे सिंपल है, ठीक ना। चलिए अब सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग, ठीक ना, सेकेंड टाइप क्या कह रहा है, टाइप सेकेंड, इतनी ही लगन और इतनी ही मेहनत के साथ आपको पढ़ना है,
इतनी लगन और इतनी मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन तय है, ठीक ना, सिलेक्शन पक्का है। और आपको सिलेक्शन दिलाने में हम किसी भी प्रकार के 1% भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाले, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 देखिएगा, कह रहा है कि लंदन देश है और लंदन में आप कह रहा है कि मान लीजिएगा सुबह के 11 बज रहे हैं, लंदन में सुबह के 11, ए देश में कह रहा है कि शाम के 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, और बी देश में कह रहा है कि सुबह के 9 बज रहे हैं। इसने समय तो दे ही दिया, अब आपसे ए एवं बी देश की मानक रेखाएं पूछ रहा है, ए एवं बी, ए एवं बी देश की मानक रेखाएं क्या क्या होंगी, मानक रेखा पूछी जा रही है आपसे, मानक रेखा, ठीक ना। तो क्या क्या मानक रेखा होंगी देखिएगा, मान लीजिएगा इस प्रकार से दूसरा टाइप बनता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम वही अपना तरीका अपनाएंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा, यहां पर छोटा सा एक ऐसा ड्रॉ करेंगे मैप, यहां से एक रेखा गुजारेंगे, ये लंदन हो गया, चलेगा। लंदन में कितना बज रहा है बाबू, सुबह का 11 बज रहा है। अब देखो कैसे ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता, कह रहा है कि ए देश 4 PM हो रहा है, तो बताइएगा आप लोग, बताइएगा मैं, ए देश का समय जो है वो लंदन के समय से आगे है या पीछे। भाई लंदन में 11 बज रहे हैं, घड़ी बना दो, रवि सर का कार्य कर रहा हूं मैं, रीजनिंग पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक ना। घड़ी में यहां पर मान लीजिएगा 12 होता है, यहां पर 6 होता है, यहां पर 3 होता है और यहां पर 9, ठीक ना। तो यहां पर मैंने 11 बजा दिया, ये लंदन का है, एल लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर है। कह रहा है ए देश में कितना बज रहा है, ए देश में 4 बज रहा है, ए देश में 4। तो ए देश का समय लंदन के समय से आगे है, तो अगर ए देश का समय लंदन के समय से आगे है तो निश्चित रूप से ए देश यहां पर होगा, कितना बज रहा है, तो यहां पर 4 PM हो रहा है। अब कह रहा है बी देश में सुबह का 9 बज रहा है, तो 11 9 मतलब यहां, तो मतलब बी देश का समय जो है वो लंदन के समय से क्या पीछे है, तो सीधी सी बात है हम बी देश को यहां बनाएंगे, और बी देश पर समय कितना हो गया, तो बी देश पर समय है 9 AM, ठीक ना। ए हो गया, हमने एक छोटा सा अपने लिए जानकारी के लिए मैच बना लिया। अब कह रहे हैं यहां की मानक रेखा बताएं, बड़ा सा सिंपल है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, लंदन और ए देश के मध्य में कितने घंटे का अंतर है और लंदन और बी देश के मध्य में कितने घंटे का अंतर, ये निकालेंगे। तो अगर यहां पर 11 बज रहा है, यहां पर 4 बज रहा है, कितने घंटा अंतर है, 11 से 12, 1, 2, 3, 4, यानी इन दोनों के बीच में 5 घंटे का अंतर है। और अगर इन दोनों की बात करें, तो यहां पर 11 बज रहा है, यहां पर 9, यहां पर कितने घंटे का अंतर है, यहां पर 2 घंटे का अंतर है। हमने आपको पढ़ाया है कि एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो 5 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, तो 5 घंटे में कितना घूमेगी, 15 × 5, और 15 × 5 मतलब कितना, 75 डिग्री। तो इसकी मानक रेखा होगी 75 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों लगाया, क्योंकि समय आगे है, और यहां पर एक घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी, तो 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। तो 2 घंटे में अगर पूछा जाए, तो 2 घंटे में कितना घूमेगी, तो 15 × 2, तो यहां की मानक रेखा कितनी आ जाएगी, यहां की मानक रेखा आ जाएगी 30 डिग्री, और ये W हो जाएगा। W इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये कहां पर है, इसका समय पीछे है। तो B की जो मानक रेखा होगी वो 30 डिग्री W होगी, और A की जो मानक रेखा होगी वो 75। क्रैश चेक कर लीजिएगा कैसे, 75 डिग्री पे मान लीजिएगा मां निकलना है, तो 75 × 4/60 करेंगे, तो 5 घंटे ही निकल के आएगा बाबू। और यहां पर अगर 30 × 4/60 करेंगे, तो बाबू ये 2 घंटे ही निकल के आएगा। आप कैसे भी क्रैश चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, चलेगा। बोलेगा टाइप सेकंड समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थर्ड टाइप की ओर बढ़ेंगे हम लोग। टाइप 3 कह रहा है, अब ए देश नहीं कह रहा है, कह रहा है ए शहर की मानक रेखा कह रहा है 90 डिग्री ईस्ट, और कह रहा है बी शहर की मानक रेखा मान लीजिएगा आपसे कह रहा है, बी शहर की मानक रेखा आपसे कह रहा है मान लीजिएगा 15 डिग्री ईस्ट। कह रहा है इन दोनों शहरों के जो अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं दी गई हैं, ए की कितनी दी गई है आपको, 90 डिग्री ईस्ट, और बी की 15 डिग्री ईस्ट। कह रहा है कि इन दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, इन दोनों के समय, तो हम सीधी सी निकाल लेंगे। रेखा दी गई है,
कितने का गुणा करेंगे 4 और कितने का भाग दे देंगे 60। तो 15 से 4 बार कैंसिल और 15 से कितनी बार कैंसिल 6 बार और 4 से कितनी बार कैंसिल 4, तो ये कितने घंटे आ गया, ये हो गया 6 घंटा हो गया, ठीक है ना। वैसे 15 पे निकालेंगे तो 15 गुणा 4 बटे 60, तो 15 से कितनी बार कैंसिल 4 बार और 4 से कितनी बार 1 बार, तो ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया 1 घंटा। कह रहा है दोनों में अंतर बताइए, दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों में कितना अंतर आया है, दोनों में कितना अंतर आ गया 5 घंटे का। कितना अंतर आ गया दोनों में, तो दोनों में अंतर आ गया मान लीजिएगा 5 घंटे का दोनों में अंतर आ गया, तो हो गया। अब मान लीजिएगा हम तो आपके अध्यापक हैं, हम तो सदैव चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आप दिन रात तरक्की करें, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी हो, लेकिन जो एग्जामिनर महोदय होते हैं वह चाहते हैं कि आप फंसे, चाहते वह भी है कि आप जीवन में सफल हो, लेकिन वो कठिनाइयों से जूझ कर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी दौरान वो क्या करेंगे, जो आपका ये प्रश्न है इसी को वो डिफिकल्ट बनाएंगे। हमने तो यहां पर आपकी सुगमता के लिए जो पूर्णांक कविता हम दे रहे हैं वो 15 के गुणज में दे रहे हैं, ठीक ना, 15 का भागज दे रहे हैं हम, भागज होता है जो भी हो, 15 का गुणांक जानते हैं हम, ठीक ना। वो आपसे कहेगा, वो आपसे कहेंगे एग्जामिनर साहब आपके, कि बाबू ये देश है और ये देश की मानक रेखा 57 डिग्री है, कितनी है 57 डिग्री ईस्ट, और बाबू बी देश है और बी देश की मानक रेखा है 37 डिग्री ईस्ट, इन दोनों में समय की कितने घंटे का अंतर होगा। तब आप गौरव सर वाला आइडिया अपनाएंगे, यानी मेरा आइडिया अपनाएंगे तुरंत, 57 गुणा 4 बटे 60 करेंगे तो ये तो भाग जाएगा ही नहीं, तब आप अटक जाएंगे। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, अगर संख्या जटिल दे दे वो 15 के गुणज में ना दे, तो आप क्या करेंगे, इसी का दूसरा तरीका अपनाएंगे। कितना घंटे का अंतर आया, तब 5 घंटे का। अगर मान लीजिएगा मैं ऊपर वाले ही प्रश्न को समझा रहा है पहले, तो अगर मान लीजिएगा इस प्रकार से प्रश्न आता है, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, बाबू जब भी दो देशों के मध्य में या दो देशांतर रेखाओं के मध्य में अंतर पूछा जाएगा, आप एक काम कीजिएगा, आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, बड़ी देशांतर रेखा में से छोटी देशांतर रेखा को घटा दीजिएगा। तो 90 में से हम कितने घटा देंगे 15, 90 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, निकल के कितना आ जाएगा 75। हम जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में अगर 4 मिनट लगता है तो 75 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, इसी घंटे से कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 5 बार जाएगा 15 से, ये 4 बार, ये 4 से 4, कुल मिला के कितने घंटे निकल के आया 5 घंटे। मतलब हम शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बताया, यानी दूसरा मेथड क्या बताए, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, जो बड़ी देशांतर रेखा दी जाए उसमें से छोटी देशांतर रेखा को माइनस कर दीजिएगा, और जब आप उसको माइनस कर देंगे तो उसमें 4 का गुणा और 60 का भाग करिएगा, वही आइडिया है अपनाना है। 57 में से 37 को अगर माइनस करेंगे तो 57 में से अगर 37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री, और इस 20 डिग्री में आपको क्या करना है, 4 का गुणा करना है और 60 का भाग करना है। 4 का गुणा और 60 का भाग करेंगे तो घंटे में आ जाएगा, कितना हो गया 20 गुणा 4 80 बटे 60, ये तो नहीं जा रहा है, तो ये नहीं जा रहा है, तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, अगर 80 में से 60 चलेगा कितना बचा 20 मिनट बचे, तो 1 घंटा 20 मिनट आंसर आ गया, समझ गए, 1 घंटा 20 मिनट क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट इसका आंसर हो गया, ठीक ना। ए टाइप आपका 3 था, समझ में आ गई होंगी बातें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, चलेगा हो गया। अब देखिएगा टाइप 4 थोड़ा सा बदल देगा, टाइप 4 में अब वो लंदन नहीं देगा आपको, अब मान लीजिएगा कह रहा भारत, कह रहा भारत में यदि, भारत में यदि सुबह का 10 बज रहा है, भारत में यदि कितना बज रहा है, भारत में यदि सुबह का 10 बज रहा है, तब ए देश जिसकी मानक रेखा मान लीजिएगा, कह रहा है जिसकी मानक रेखा मान लीजिएगा 105 डिग्री ईस्ट है, कितनी है 105 डिग्री ईस्ट है, इस देश का समय लंदन के सापेक्ष क्या होगा और इस देश का समय भारत के सापेक्ष क्या होगा, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। आइएगा हम आपको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से समझाते हैं, कुछ नहीं घबराना तो है ही नहीं, आपको घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हैं, ठीक ना। यहां पर एक रेखा एक ऐसे बना लेंगे, ए हमने बना दिया लंदन, कह रहा भारत में सुबह का 10 बज रहा है, हम जानते हैं भारत पूरब में है, अब देखिए उसने इनडायरेक्ट आपसे भारत कहा है, और आपको हमने पहले ही बता दिया कि भारत की देशांतर रेखा जो भारत की मानक रेखा है वो कितनी है
82 डिग्री ईस्ट, यानी 82 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा है, 82 डिग्री ईस्ट पर यानी 10 बज रहा है। तो कह रहा है ए देश जिसकी 105 है, अब अगर ईस्ट है तो यहीं पर होगा 82 के आगे कहीं पर ए देश बना लिए, और ए देश की मानक रेखा कह रहा है कितनी है 105। तो कह रहा बताइएगा यहां का समय क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है हमें, कुछ नहीं करना है, जितनी रेखा दी जाए उस रेखा में 4 का गुणा करना है और 60 का भाग दे देना है। तो 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60, 4 से 4, यानी यहां का समय जो ए देश का समय है वो लंदन के समय से कितना आगे आ गया, कितना आगे आ गया, 7 घंटे आगे आ गया। और हम जानते हैं कि भारत का समय लंदन के समय से कितना घंटे आगे है, 5.5। तो बताइएगा लंदन के समय से भारत का समय 5 घंटे 5.5 घंटे आगे, और लंदन के समय से ए देश का समय 7.5 घंटे आगे। तो भारत और ए देश के समय में कितने घंटे का अंतर, तो भारत और ए देश के समय में कितने घंटे का अंतर, तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 2 घंटे या 2.5 घंटे, ठीक ना, घटा लीजिएगा, ठीक ना, 7 में से 5.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइएगा। तो अगर हम घटाएंगे तो 2.5 बजे बचेगा क्या, 2.5 अगर जोड़ेंगे तो 6, नहीं 2.5 नहीं बचेगा, कितना बचेगा भाई, 7 घंटे में से अगर 5.5 घंटे, हाँ 2.5 बचेगा, कितना बच जाएगा 2.5, ठीक है ना, 1.5 बचेगा, कितना बचेगा 1.5। मतलब भारत और ए देश के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो भारत और ए देश के समय में 1.5 घंटे का अंतर है, कितने घंटे का अंतर है निकाल लीजिएगा ना, निकाल लीजिएगा, 7 में से 5.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा ना। तो भारत और ए देश के समय में कितने घंटे का अंतर है, 1.5 घंटे का। अब कह रहा है कि भारत में अगर 10 बज रहे हैं, भारत में कितना बज रहा है, भारत में यदि 10 बज रहे हैं तो यहां पर कितना बजेगा 10 में 1.5 घंटे और जोड़ेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 10 में अगर 1.5 घंटे जोड़ेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 11.5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 11.5 बज रहे होंगे, एक कन्फर्म है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, सॉल्व कर लेना है। बताइएगा कैसी लगी क्लास, अपने एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा, यहां पर थोड़ा समय डगमगाया जरूर हूं, ठीक ना, ए भाई 5.5 है और ये यहां पर 7 है, तो 7 में से अगर 5.5 आप माइनस करते हैं तो 1.5 बचता है, कितना बचता है 1.5 भाई, 5.5 में आधा जोड़ेंगे तो 6 में एक और जोड़ेंगे तो 7। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों का समय में अंतर 1.5 है, तो अगर यहां पर 10 बज रहा है तो यहां का समय 1.5 घंटे आगे होना चाहिए, तो 10 में अगर 1.5 घंटे और जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, इस देश पर बच जाएगा 11.5, कितना बचेगा 11.5। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उनमें इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ना कि केवल पीसीएस परीक्षा बल्कि अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। आइएगा एक बार मैं आपको प्रक्रिया और बता देता हूं, यदि आप हमारे ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे संस्थान में, हमसे जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, सुपरटेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9125423936, इस नंबर पर आपको इंट्री सुपरटेट लिखकर सेंड कर देना है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको एडमिशन की प्रक्रिया समझा दी जाएगी, ठीक है मित्रों। जय हिंद, अगला लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।